हम नहीं माफी मांगते हैं। किसको कॉल देंगे? ये सर रेड एरिया जिसके अंदर मास्क रेड एरिया होगा। हाँ, इसमें वेंटिलेटर है, नीचे की उसको रख देते हैं। तो वेंटिलेटर वाले सर, वेंटिलेटर वाले सर हमारे बस वाले ये कौन से वाले हैं? वाइपर वाले? ये तो नॉर्मल वेंटिलेटर, हाई एंड वेंटिलेटर जो दिल्ली सरकार ने बनाई है। कुछ वेंटिलेटर हमारे यहाँ सर सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पेशेंट को यदि स्टेबल रहता है तो यहाँ सारे ऑप्शन है। ये सारा पाइप लाइन है ऑक्सीजन का, फंक्शनल है सब। सारे ऑक्सीजन चला के देखा, ऑक्सीजन चला के देखा वो सारा ऑक्सीजन के एयर बबल सारा। पहले क्या सिलेंडर थे, ये नहीं था सिस्टम। अभी तो ये सारा 50 मीट्रिक टन का हमारा कैपेसिटी है। ये तो ऑक्सीजन का वो है, लिक्विड ऑक्सीजन है। लिक्विड, हाँ लिक्विड ऑक्सीजन है। ये तो टैंकर से भरते हैं, 10 टन के आगे से ये हमारे पास पहले था। ये हमने नया लगा पहले कम, ये माइनस पर रहता है। ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में। वैसे तो गैस है पर इसको लिक्विड फॉर्म में करके फिर उसको नॉर्मल एयर से मिक्स करके देते हैं। 40% ऑक्सीजन सबसे अच्छी होती है। ऐसे हमारे पास दो प्लांट हैं लिक्विड वाले, लिक्विड, और जो पीएसए प्लांट है वो बिजली से ऑक्सीजन बनाता है। नहीं तो भी जाओ, भी जाओ। रिफिलिंग करना पड़ता है फरीदाबाद से या ये थोड़ा भी जाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल, जो कि देश का एक प्रेस्टिजियस और सबसे
प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हमारा संस्थान है, इसका दौरा किया है और यहाँ कोविड की तैयारियों का जायज़ा लिया है। जैसा कि पूरे देश में आज इस तरह के अभियान चल रहे हैं, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हमेशा तैयारियों में आगे रहे थे पहले भी, और अगर इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं। आज हमने जायज़ा लिया, बाकी अस्पतालों का भी जायज़ा ले रहे हैं। LNJP में 2000 बेड्स हैं और अभी हमने 450 बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट कर रखे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो जैसा पहले भी हुआ, हम 2000 के 2000 बेड्स भी कोविड के लिए तैयार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर की कुछ फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ बैंकेट हॉल्स वगैरह हैं, उस वक्त हमने एमरजेंसी में वहाँ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके 500 बेड्स की व्यवस्था की थी बैंकेट हॉल में, मेकशिफ्ट में वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बेड्स की कमी नहीं रहेगी। पिछली बार की तुलना में ऑक्सीजन की उपलब्धता भी LNJP के लिए कम से कम 10 गुना ज़्यादा हो गई है। 2 PSA प्लांट्स यहाँ पे, 5 PSA प्लांट्स पूरे यहाँ पे लग चुके हैं और जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी पूरी तरह से मौजूद हैं। आज यहाँ मॉकड्रिल किया गया, किस तरह से किसी पेशेंट को आके 5 मिनट के अंदर अंदर उसके डिज़ायर्ड एरिया में जहाँ उसको ले जाना है वहाँ पूरा टेस्ट करके या पूरा चेकअप करके इमिडिएटली वहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सीमलेस हो, उसका मॉकड्रिल भी हमने देखा यहाँ पे। तो अच्छा है, अभी तो व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं, ईश्वर ना करे जरूरत पड़े। पूरी दिल्ली में कितनी बेड्स हैं और कितनी बेड बढ़ाने की क्षमता दिल्ली सरकार के पास है और पूरा स्टेटस क्या है कोविड के, कितने इस वक्त जैसा कि CM साहब ने भी थोड़े दिन पहले बताया था, तो 8200 बेड्स इस वक्त कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं। इनको ऐसे इमिडिएटली बढ़ाना हो तो हमारे पास 25,000 बेड्स जो हमारे पास में थे, और अगर उनको और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े तो हम 36,000 तक इनको कर सकते हैं। हमारे पास नए सिलेंडर्स भी अब हैं जो अभी पिछले कोविड वेव्स के दौरान खरीदे गए थे। हमारे पास टैंकर्स भी हैं अब ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस दौरान ये हुई थी। तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है अगर इस तरह की किसी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के ये दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में कोरोना जैसी महामारी में लोग पैनिक ज़्यादा होते हैं तो उस अभी मुझे लगता है पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश भर में जो जिस तरह के भी केसेस सामने आए हैं, जो प्राइमरी डेटा है, हालांकि अभी जीनोम सिक्वेंसिस के बारे में कहना है कि डॉक्टर्स का कि अभी टाइम लगेगा जीनोम सिक्वेंसिंग के रिजल्ट्स आने में, लेकिन प्राइमरीली जो डेटा सामने आ रहा है देश भर में वो ये है कि इस वेरियंट से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये वेरियंट भी उसी तरह का हो जिस तरह का पिछला वाला वेरियंट था, जिसमें लोगों को कोविड तो हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। नेजल वैक्सीन को लेकर भारत सरकार ने कहा है कि हम उपलब्ध कराएंगे, जैसे ही वो मार्केट में उपलब्ध होगी दिल्ली सरकार उसको नहीं अभी नहीं प्राइवेट पूरी व्यवस्था है। थैंक यू।